नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। श्योपुर, गुना, राजगढ़, नीमच में तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मंदसौर, रतलाम, झाबुआ में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश में अभी तक 36 इंच बारिश दर्ज हुई है। 49 जिलों में सामान्य से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के 54 में से 35 बांध पूरी तरह से भर गए हैं। हालांकि आपने देखे होंगे तस्वीर भी कि बांध के गेट खोले जा रहे हैं। कहीं कहीं पर जहां पर बांध पूरे भर चुके हैं, 49 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही है। जितनी बारिश होनी चाहिए उससे ज्यादा हो रही है। 54 में से 30 से ज्यादा ऐसे बांध हैं, लगभग 34 बांध ऐसे हैं जो कि फुल हो चुके हैं और उनका भी गेट खोला जाना अब समय आ गया है। 36 इंच बारिश दर्ज हुई है प्रदेश में अब तक। इसके अलावा 49 जिलों के लिए एक तरह से अलर्ट है कि अभी बारिश ज्यादा होगी सामान्य से भी, तो बहुत जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलिए और अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उसमें भी सावधानी बरतिए। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस बार क्या मध्य प्रदेश में बीते साल के मुकाबले बारिश ज्यादा हुई है? इस साल पूरे साल मध्य प्रदेश में मानसून काफी मेहरबान रहा और यही कारण है कि अब तक 36 इंच संपूर्ण मध्य प्रदेश में बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से लगभग 10% ज्यादा बारिश है, यानी 2 इंच ज्यादा बारिश जो हुई है। और आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आगामी 8 तारीख तक, यानी आगामी जो 3 से 4 दिन है, वो लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह के ही सिस्टम बना हुआ जिसके चलते अलग अलग हिस्सों में तेज, हल्की और मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। 8 सितंबर के बाद जो है थोड़ा सा मानसून में गिरावट देखने को मिलेगी, यानी निम्न दाब का जो क्षेत्र है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा जिसके चलते मानसून के तेवर थोड़े से नरम पड़ सकते हैं। लेकिन इन 3-4 दिनों में भी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से कल भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में लगातार कल बारिश देखने को मिली, भले ही सुबह से सूरज चढ़ा आया था लेकिन जैसे जैसे दोपहर होना शुरू हुई उसके बाद बादलों ने डेरा डाला और देर शाम तक वो झमाझम बारिश का दौर भी शुरू हो गया। और जो लगातार बारिश हुई है उसी के चलते मध्य प्रदेश के अधिकांश जो बांध और तालाब है वो पूरी तरीके से लबालब हो गए। कई तालाब और बांध तो ऐसे हैं जिनकी वजह से उनके जब लबालब हुए तो उनके गेट खोलने पड़े, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए। खासकर जो छोटी नदियां हैं या जो मौसमी नाले हैं, बरसाती नाले, उनमें उफान देखने को मिला जिसके चलते कई लोगों की को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तो मौसम विभाग का साफ कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिन अभी मध्य प्रदेश में इसी तरह का मानसून रहने वाला है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के अलावा 2 अन्य सिस्टम जो है वो मध्य प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं। 8 सितंबर के बाद मानसून के तेवर थोड़े से स्लो होंगे लेकिन ये बारिश पूरी तरीके से अभी विदाई नहीं लेगी और आने वाले समय में लगभग 2 इंच और बारिश होने का अनुमान जो है मौसम विभाग ने जताया है, क्योंकि सामान्य से 10% बारिश अभी ज्यादा हो चुकी है और अगले सितंबर के महीने में यदि और बारिश होती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के सभी बांध हो या फिर तालाब हो और पूरी तरीके से लबालब नजर आएंगे। लेकिन हालांकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर ज्यादा बारिश होने से किसानों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि देखिए चाहे वह धान रुपाई का खेत हो, धान की रुपाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है लेकिन जब पानी एक बार भर जाता है दोबारा से फिर अगर पानी भरेगा तो कहीं ना कहीं धान के अंकुरण में परेशानी आ सकती है। श्योपुर मध्य प्रदेश का वो जिला है जहां सबसे अधिक बारिश देखने को मिली है, जबकि अगर सबसे कम बारिश इलाके की बात करूं तो बिंद का रीवा जिला ऐसा है जहां सबसे कम बारिश देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल अगर मध्य प्रदेश में देखें तो इस बार मानसून पूरी तरीके से मेहरबान रहा है। जी बिल्कुल, और देखा भी जा सकता है इसका असर, जहां 54 बांध ऐसे हैं जिनमें की 34 बांध तो फुल हो चुके हैं, तो इससे समझ में आता है कि बारिश कितनी जबरदस्त एमपी में हुई है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए।